सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं हूं वरुण और आप देख रहे हो वरुण ठाकुर जी व्लॉग। सो गाइस, सुबह के बज चुके हैं 9:30 और आज हम जा रहे हैं परियों वाले बाग के लिए। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल प्लेस, आपको इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। सो गाइस, जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, और फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, उसमें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा वीडियो में। तो फ्रेंड्स, लेट्स गो। सो गाइज, हम फाइनली अपने घर से निकल चुके हैं परियों वाले बाग की तरफ में। सो फ्रेंड्स, आपको बता दूं, आज हम अपने जा रहे हैं रॉयल इनफील्ड बुलेट पे। तो फ्रेंड्स, पहले हम चलेंगे पेट्रोल पंप में और थोड़ा सा अपने इनफील्ड में हम पेट्रोल डलाएंगे, फिर हम चलेंगे अपने रेस्टोरेंट की तरफ में, वहाँ पे हम थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, फिर हम उसके बाद चलेंगे परियों वाले बाग की तरफ। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। तो फ्रेंड्स, जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना। तेल दिला रहे हैं अपनी बाइक में। तो गाइस, अब इसके बाद हम चलेंगे अपने रेस्टोरेंट में, वहाँ पर हम ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम चलेंगे परियों वाले बाग पे। सो गाइस, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो फाइनली हम अपने रेस्टोरेंट में पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हो कि मेरे रेस्टोरेंट का नाम है साडा चूल्हा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा बसेस वगैरह यहां पर लगी हुई हैं। तो मैं आपको बता दूं, हमें सीधा आगे की तरफ जाना है, माधोपुर की तरफ। यहां से करीबन 5 मिनट का रास्ता बचा है आगे परियों वाले बाग के लिए। गाइस, वहाँ मैं आपको फुल एक्सप्लोर करूँगा। सो जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना। अब मेरा ब्रेकफास्ट आ चुका है और आप देख सकते हो कि मैंने ब्रेकफास्ट में एक पराठा लिया है, साथ में थोड़ी सी दाल ली हुई है। तो फ्रेंड, इसे खाकर हम सीधा चलते हैं परियों वाले बाग की तरफ। Few moments later. So guys, हम फाइनली परियों वाले बाग पे पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हो कि मेरे नीचे परियों वाला बाग है, हमें उस तरफ से जाना पड़ेगा। स्टेप्स नीचे उतर, देख सकते हो ये भी स्टेप्स है, हमें स्टेप्स को नीचे उतर के अब हम नीचे जाएंगे परियों वाले बाग के लिए। सो गाइस, हम फाइनली आ चुके हैं परियों वाले बाग में और आप देख सकते हो कि कितना बढ़िया बाग दिखाई दे रहा है। बिल्कुल शांत जगह, बिल्कुल नॉइस नहीं है, थोड़ी सी पानी की आवाज़ आ रही है, जो कि पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है तो आती है। बिल्कुल मुझे तो बिल्कुल मज़ा आ गया इस बाग में आके। सो गाइस, जो इस बाग में आना चाहता है, मैं आपको उसका एड्रेस बताता हूँ। गाइस, ये माधोपुर में है, माधोपुर के साइड पर आके कोरल रिजोर्ट के साइड में आकर ये बाग पड़ता है। आप वहाँ पर किसी को भी पूछ सकते हो इस बाग के बारे में। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अब चलते हैं सीधा बाग में। मैंने अपनी बाइक को लगा दिया ऊपर की तरफ और हम जा रहे हैं सीधा परियों वाले बाग में। सो गाइस, आप देख सकते हो कितनी बढ़िया बाग है, आप देख सकते हो टोटली ग्रीनिश है। और आपको बता दूँ, उस साइड वो है नदी वगैरह है, जहाँ पर बिल्कुल अलाउड नहीं है जाना। वहाँ पर एक पुलिस वाले अंकल भी, आपको आगे जाके बताऊँगा, वहाँ पर कोई फ़ोटो और वीडियो बनाना भी अलाउड नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप देखते हैं उस साइड। सो गाइस, हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर बिल्कुल अलाउड नहीं है। सो गाइस, मैं थोड़ा जूम करके बताता हूँ और आप देख सकते हो वहाँ पर पुलिस वाले अंकल बैठे हुए हैं, साथ में लिखा भी हुआ है नो फोटो। यहाँ पर बिल्कुल जाना अलाउड नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई लोग आए थे फ़ोटो वगैरह खींचने की, वो थोड़ा नदी में गिर गए थे, इसलिए यहाँ पर टोटली अलाउड नहीं है, कोई भी यहाँ पर आ जा नहीं सकता। और आप यहाँ दूर से ही देख सकते हो कि ये कितना बड़ा ब्रिज है, यहाँ से पानी जाता है सीधा सरने वाली साइड में नदी में। सो गाइस, हम चलते हैं परियों वाले बाग में और आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा साफ़ सफाई है इस बाग में। थोड़ी सी मेंटेनेंस कम है, थोड़ा टूटा हुआ तो क्या हुआ, और आप देख सकते हो कितना बढ़िया है। मेरा तो दिल खुश हो गया इस बाग में आकर। तो गाइस, आपको बता दूँ, ये बाग बहुत बहुत ही ज़्यादा पुराना बाग है, इसके बारे में मैं आगे आगे आपको सब कुछ बताऊँगा।
आई होप आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। जहाँ गाइस आप वीडियो को एंजॉय कर रहे हो, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना। और आप देख सकते हो उस साइड भी थोड़े लोग बैठे हुए थे। अब मैं आपको ऊपर दिखा के बताता हूँ। सो फ्रेंड्स हम चलते हैं अपने लेफ्ट हैंड साइड। सो गाइस आपके लिए एक सरप्राइज़ है, पहले ऊपर चढ़ते हैं। और गाइस आप देख सकते हो कि कितना बढ़िया व्यू आ रहा है। गाइस आई होप आपको ये व्यू अच्छा लग रहा होगा। जो गाइस आपको व्यू अच्छा लग रहा है आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। आप गाइस आप देख सकते हो कितना बढ़िया व्यू है। सो गाइस आज से करीबन 100-150 साल पहले यहाँ पर परियां आती थी, तो इस बाग का नाम परियों वाला बाग पड़ा है। और आप देख सकते हो कि मेरे पीछे उनका एक स्टैचू भी है। गाइस आपको मैं स्टैचू भी बताऊंगा। फ्रेंड्स जिस टाइम तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ज़रूर करना। गाइस अब चलते हैं सीधा स्टैचू के पास। और आप देख सकते हो कि कितना बढ़िया इनके स्टैचू बनाए हुए हैं। ये इनकी यादगार में कमेटी मेंबरों ने इनका स्टैचू बनाया हुआ है, बहुत ही बढ़िया स्टैचू बना हुआ है। अब आपको मैं उस साइड से भी बताता हूँ इनका दूसरा स्टैचू परियों का। देख सकते हो कि कितना बढ़िया है, आप अमेजिंग नहीं कर सकते। यहाँ पर आज से 100-150 साल पहले परियाँ आती थी। ये इनका दूसरा स्टैचू है। और आपको मैं ये भी बता दूँ कि ये बाग उस टाइम इससे भी ज़्यादा घना बाग था, इससे भी घना बाग। ये थोड़े दिन को साफ सफाई की गई है, बहुत ही ज़्यादा घना बाग होता था। अब मैं इसके अंदर एंटर होता हूँ और आप देख सकते हो यहाँ पर पहले पानी होता था, पानी नहीं है किसी कारण, पता नहीं क्या हूँ, पानी नहीं है अब इसमें। और आप देख सकते हो कि पास से ये कितने बढ़िया स्टैचू दिखाई दे रहे हैं। सो फ्रेंड्स आप देख ही सकते हो कि कितना बढ़िया स्टैचू बनाया हुआ है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। सो गाइज आपको बता दूँ ये बाग करीबन 100-150 साल पुराना बाग है। लोगों का मानना है यहाँ पर 100-150 साल पहले यहाँ पर परियाँ आती थी। यहाँ पर कुछ कई लोगों ने देखने का भी दावा किया कि हमने परियाँ देखी। अब मैंने भी कभी देखी नहीं है। चलो आप देख सकते हो कि कितना बढ़िया नज़ारा है ऊपर से। और आप देख सकते हो कि पानी का एक अलग ही व्यू दिखाई दे रहा है। सो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो फ्रेंड्स इस वीडियो पर हम एम करते हैं ओनली 60 लाइक्स का। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।